वरदान प्रवृत्ति में रहते, लौकिकता से न्यारे रह, प्रभु का प्यार प्राप्त करने वाले, लगाव मुक्त भव। प्रवृत्ति में रहते लक्ष्य रखो कि सेवा स्थान पर सेवा के लिए है, जहां भी रहते वहां का वातावरण सेवा स्थान जैसा हो। प्रवृत्ति का अर्थ है परवृत्ति में रहने वाले, अर्थात मेरापन नहीं, बाप का है तो परवृत्ति है। कोई भी आए तो अनुभव करे कि ये न्यारे और प्रभु के प्यारे हैं। किसी में भी लगाव न हो, वातावरण लौकिक नहीं अलौकिक हो, कहना और करना समान हो, तब नंबर वन मिलेगा। मैं आत्मा अनुभव कर रहे हैं मेरे सम्मुख प्रभु भगवान ईश्वर परमात्मा, परमात्मा के लिए प्यार का अनुभव। मैं आत्मा और परमपिता परमात्मा, परमात्मा से मिलते गुणों का अनुभव, शक्तियों का अनुभव। मन बुद्धि में एक परमात्मा, दूसरा ना कोई, क्योंकि एक परमात्मा तो मैं आत्मा भी परमात्मा बाप के समान अपने आप को अनुभव कर रही हूँ। परमात्मा बाप की प्यारी आत्मा और इसलिए बाप के समान आत्मा, क्योंकि मैं आत्मा देह नहीं इसलिए मन बुद्धि में देह की दुनिया भी नहीं, और इसलिए इस दुनिया से न्यारी आत्मा, तो बाप की प्यारी और इस दुनिया से न्यारी। और इस समय मेरी वृत्ति अनुभव कर रहे हैं प्रवृत्ति से अलग, इस दुनिया से न्यारी, प्रवृत्ति से न्यारी, परवृत्ति नहीं, मैं आत्मा और बाप अपनी वृत्ति को देख रहे हैं। बाप समान वृत्ति, मैं बाप समान आत्मा, अलौकिकता का अनुभव। मैं आत्मा मुझसे निकलती अलौकिक तरंगे चारों ओर फैल रही हैं, वातावरण में फैल रही हैं, तो मेरे आसपास का वातावरण सेवा स्थान बनता जा रहा है, निरंतर आत्माओं की सेवा। तो मैं आत्मा, यह घर मेरा स्थान सेवा स्थान है, निरंतर आत्माओं की सेवा होती जा रही है। मेरी वृत्ति से निकलती वाइब्रेशन और चारों ओर वातावरण में फैल रही है, वातावरण में अलौकिकता फैल रही है, लौकिकता समाप्त होती जा रही है और आत्माओं की सेवा होती जा रही है। तो मैं आत्मा और लौकिकता का अनुभव, और इसलिए कहना और करना समान होता जा रहा है। मैं नंबर वन आत्मा, लगाव मुक्त आत्मा। प्रवृत्ति में रहते लौकिकता से न्यारे रह, प्रभु का प्यार प्राप्त करने वाली मैं लगाव मुक्त आत्मा। ओम।